हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की बढ़िया मजेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बढ़िया क्रिस्पी से चिकन चीज बॉल्स, बहुत ही यम्मी, बहुत ही सॉफ्ट। इनको बनाना बहुत ही सिंपल है, आप इसकी चीज चेक कर सकते हो, बहुत ही चीजी होता है, बहुत ही आसान सिंपल घर पर रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी है। तो देर किस बात की, कंप्लीट वीडियो वॉच कर लीजिए बिना स्किप किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कर दिया करें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स और फीडबैक जरूर से मुझे दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन 200 ग्राम्स, उतना बॉइल करके अच्छे से चिकन को यहाँ पर श्रेड कर लिया है। इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले, 1 टीस्पून उतना सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भुना हुआ कुटा जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद हल्का सा एक जेंटल मिक्स दे देंगे। यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगी 2 मीडियम साइज आलू, जिनको बॉइल करके मैंने यहाँ पर ले लिया है। हल्के हाथों से जेंटली इसको इस तरीके से मैश करके कर देंगे ऐड। मैंने यहाँ पर चिकन को बस हल्का सा नमक देकर बॉईल कर लिया था और इसको श्रेड कर लिया, और ज्यादा कुछ स्पाइसेस या किसी भी चीज को ऐड नहीं किया है। यहाँ पर अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। आलू के कोई चंक्स ना हो इस चीज का ध्यान रखिए, अच्छे से मैश कर लीजिएगा चिकन के साथ। चलिए, यहाँ पर मैंने सारी चीजों को अच्छे से मैश कर दिया। 1 टेबल स्पून उतना हरा कटा धनिया फाइन चॉप किया हुआ, 1/2 कप उतना मोजरेला चीज, आप प्रोसेस चीज आपके पास हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। सिंपली इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छे से वन मोर टाइम सारी चीजों को मैं यहाँ पर कंबाइन कर लूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया मजे की लगती है ये रेसिपी, जरूर से इसको ट्राई कीजिएगा अफ्तार टाइम्स में। बिना टाइम कंज्यूम किए झटपट बनने वाला स्नैक है ये, देख सकते हो अच्छे से एक डो जैसा बन चुका है। आगे मैंने हैंड्स को अच्छे से वॉश करके हाथों को हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो चेक कीजिए, इस तरीके से हल्के से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा लेमन साइज उतना पोर्शन लेंगे, बस हल्के से इस तरीके से हाथों में रोल कर लेंगे। आप देख सकते हो एकदम बढ़िया लेमन साइज जितना बॉल इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हो बहुत ही इजी, स्टिकी नहीं है बिल्कुल भी, बस हल्के से इनिशियली मैंने हाथों को ग्रीस किया हुआ है। इजीली ये लेमन साइज उतने बॉल्स झटपट बन भी जाएंगे, चेक कीजिए आप, बस हल्के से इस तरीके से बांध लीजिए, ऐसे ही सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे इस तरीके के चिकन चीजी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए, इतने सारे बन चुके हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है एक अंडा, अंडे में ऐड कर दूंगी सीजनिंग के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा, इन दोनों चीजों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से अंडे को फेंट लेंगे ताकि अंडा फीका ना हो। अगर आप अंडे में बीट नहीं ऐड करके इसे ये मिक्स नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पर मैदे की स्लरी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। इस तरीके की चिकन के बॉल्स को लेंगे, हल्के से इस तरीके के एग के मिक्सचर में इस तरीके से अच्छे से कर लेंगे। लीजिए, जितना भी एक्सेस होगा हल्के हाथों से जस्ट इस तरीके से ड्रिप आउट करेंगे और ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। देख लीजिए, इस तरीके से हम ब्रेड क्रम्स के मिक्सचर में इजीली इस तरीके से अच्छे से कर लेंगे रोल करते हुए। देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये कोट हो चुका है यहाँ पर। चलिए मैं वन मोर आपको बता दूं, इसी तरीके से हम एक चिकन बॉल को एग के मिक्सचर में ऐड करेंगे, अच्छे से हमें इसको कोट कर लेना है। एग के मिक्सचर ब्रेड क्रम्स में ऐड कर देंगे और अच्छे से कर लेंगे इसे रोल करते हुए कोट, तो इजीली ये यहाँ पर कोट हो जाएगा, चेक कर सकते हो। इसी तरीके से आप बनाकर इन्हें एयरटाइट कंटेनर जार में फ्रीज करके इसको आराम से आप 5 से 7 दिन तक रखकर एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, मैंने यहाँ पर सारे चिकन चीज बॉल्स को अच्छे से ब्रेड क्रम्स कर लिया है। आप चाहो तो इसी स्टेज पर आराम से एयरटाइट कंटेनर जार या एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में आप इसे 5 से 7 दिन के लिए फ्रीज करके रख सकते हो। बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए, इसे फ्राई करना कैसे है वो भी देख लें। चलिए, ऑयल यहाँ पर मैंने अच्छे से मीडियम हाई हीट पर रखकर अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को अच्छे से हाई पर कर लेंगे। यहाँ पर 1 बाय 1 इस तरीके से मैं यहाँ पर चिकन बॉल्स को ऐड कर दूंगी। मेक श्योर कीजिएगा बहुत केयरफुली इस चीज को ऐड करें, ऐसा ना हो कहीं आप पर ये छींटे उड़े ऑयल के। इमीडिएटली जैसे ही हम चिकन चीज बॉल्स को डालेंगे, स्टिर नहीं करेंगे, हल्के से 1 या 2 मिनट दे दीजिएगा मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छे से। जैसे ही ये कुक होंगे वो अपने आप ही फ्लोट होंगे। 1-2 मिनट के बाद हम इसको स्टिर, देख सकते हो यहाँ पर 1.5 मिनट हो चुका है। अब हल्के से मैं इन सारे चिकन बॉल्स को हल्का हल्का सा स्टिर दूंगी, जैसे इवनली ये फ्राई हो जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें 10-15 मिनट्स के लिए फ्रीजर में आप फ्रीज भी कर सकते हो कुछ देर के लिए, और क्रंची और क्रिस्पी भी बनकर तैयार होंगे। मुझे चिकन के इन चीज बॉल्स को कुक करते हो बढ़िया सा सुनहरा गोल्डन कलर आ चुका है। तो चलिए, आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छे से हमारे चिकन चीज बॉल्स में बढ़िया सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है।
बस हमें इतना ही फ्राई करना था। हल्के से स्ट्रेनर की हेल्प से इस तरीके से ऐड करते हुए रिमूव कर लेंगे। एकदम बढ़िया क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं यहाँ पर हमारे चीज बॉल सारे, मैंने रिमूव कर लिए हैं। बॉल में देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डिलीशियस तरीके से बनकर तैयार है। यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में, ऐसे ही मैं सारे बनाकर तैयार कर लूंगी। चलिए सारे चिकन बॉल्स अच्छे से मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिए हैं, गर्मा गर्म इनको करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से सर्व। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसे प्रिपेयर करना। आप देख सकते हो कितने क्रंची और जूसी अंदर से उतने ही चीज़ी ये बनकर तैयार होते हैं। ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ऐसी आसान सिंपल ढेर सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। पास में एक बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट रेसिपीज जो भी मैं अपलोड करूँ सारी आप लोगों को मिलती रहे। देख सकते हो एकदम खूबसूरत डिलीशियस तरीके के यहाँ पर चिकन बॉल्स हमारे बनकर किस तरीके से तैयार है। आप चाहो तो इसी तरीके से सर्व कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से बैम्बू स्यूवर्स का यूज कर सकते हो। इसमें हम इस तरीके से इजीली हमारे चिकन चीज बॉल्स को इस तरीके से हम प्लेस कर लेंगे। चेक कीजिए कितने मजे के लगते हैं, बहुत ही बढ़िया। जब आपके घर इफ्तार पार्टी हो या रमजान की दावतों में हो तो जरूर से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही इजी सिंपल है। चेक कर सकते हो बहुत ही लुकिंग वाइज भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही ढेर सारी सिंपल रेसिपीज शेयर किए फ्रेंड्स, आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भूल जाते हो तो इसलिए बार बार बता रही हूँ। तो काइंडली प्लीज लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। देख सकते हो कितने क्रंची कितने क्रिस्पी बढ़िया डिलीशियस से जूसी हमारे यहाँ पर चिकन चीजी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। चलिए आप देख सकते हो बाहर का भी टेक्सचर कितना बढ़िया है। चलिए मैं आपको तोड़ कर भी बता दूं कितने सॉफ्ट और चीजी हमारे चिकन बॉल्स हैं। चेक कीजिए आप, ये ऐसी ढेर सारी चीजी क्रीमी क्रिस्पी फिलिंग वाली स्नैक्स और डेजर्ट्स ढेर सारे हैं। इस आने वाली ईद और रमजान के लिए ढेर सारी रेसिपीज ऑलरेडी आने वाली हैं, तो देख इस बात की चैनल को अभी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।